प्रशासन शासन क्या कर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, वसूली पे वसूली हो रही है। योगी सरकार में ये हाल है, ना तो यहाँ पर विधायक ध्यान दे रहा, ना एमपी ध्यान देता है, इन सड़कों को कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों को घंटों घंटों इस जाम में निकल के जाना पड़ता है। उन्होंने गड्ढों में सड़क बना दी है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क बना दी गई है। स्कूटी वाले तो रोज ही गिरते हैं, रोज ही मरते हैं। अधिकारी, मंत्री, संतरी, आपके सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। हम लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर गाजियाबाद के अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये साफ किया गया था कि उत्तर प्रदेश में सड़कें गट्टा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन गाजियाबाद के हालात आपको दिखाएंगे किस तरह से गाजियाबाद के हालात नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के जीटी रोड पर मौजूद हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा जी मोहित कुमार। अच्छा मोहित जी, ये सड़क कब से टूटी पड़ी है? कब से ये सड़कें टूटी पड़ी है? मैंने तो देखा जी, मैं तो करीबन मुझे तो एक डेढ़ साल हो गया मैं टूटी देख रहा हूँ सड़कों से। यहाँ जब बारिश होती है ना, एक ही बारिश हो जाए तो यहाँ तक पानी भर जाता है, बंदे को निकलने में दिक्कत है, बाइक वाले दिक्कत है, बेचारे जो अपनी जॉब पे जाते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और ट्रैफिक जाम होननगर से लेके इंडे तक जाम लग जाता है पूरा। अच्छा मोहित जी, जैसा आपने बताया क्योंकि मेन रोड ये है, जीटी रोड इसको कहा जाता है, इसके हालात ऐसे हैं, तो और सड़कों से क्या होंगे? अब ये देख लो, अब योगी सरकार में ये हाल है, ना तो यहाँ पर विधायक ध्यान दे रहा, ना एमपी ध्यान देता है इन सड़कों, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ ये लगा लो योगी, कहीं ना कहीं मानते हैं आप इसी सड़क से, इसी हाईवे से रोज मंत्री विधायक निकलते होंगे? हाँ बिल्कुल निकलते हैं, मंत्री भी निकलते हैं। अभी आईटीएस कॉलेज में अभी दो चार दिन हो गए, वो आए थे प्रमुख जी जो बीजेपी पार्टी से है, उनको भी दिखाई दिया होगा हालात, ये उन्होंने कोई गोल नहीं करी, कोई कंप्लेंट कोई कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्योंकि अभी एक मर्डर होगा था अटले में, जो सुनील विधायक जी हैं उनके पीए के लड़के ने ही, जो अटले के पार्षद हैं उनके ही भाई भतीजे का मर्डर कर दिया, तो उसके अभी तो कोई बीजेपी का आदमी कोई भी वहाँ सुनवाई नहीं बिचारे की, ये तो सड़क है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि शिकायत आपके द्वारा की गई फिर भी सड़क नहीं बन पाई। कई बार इसकी वीडियो फेसबुक सोशल मीडिया पर डाली है सड़क की, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा बरसात में क्या हालात होंगे भाई? मैं तो लगा तो बरसात यहाँ इतनी हुई नहीं है, मैं तो एक बारिश का बता रहा हूँ, एक बारिश में यह हाल है। पर मैं कह रहा हूँ रेगुलर सात दिन लगाता है, दो तीन दिन लगातार बारिश हो जाए ना, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ अटले की रोड जा रही है अंदर, वहाँ तक भी इतना पानी भर जाता है, निकलने का मेट्रो स्टेशन था अटले गाँव, हमारा गाँव अटला है, उसमें निकलने का रास्ता तक नहीं कहीं भी, जब पानी भर जाता है। तो सड़क के हालात आप देख सकते हैं किस तरह के ये हालात हैं। जो लोग हैं, जो यहाँ के वासी हैं, उनसे बातचीत की, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि कई बार उनके द्वारा शिकायत भी की गई है, लेकिन सड़क का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इसकी शिकायत आपने कभी सुनी तो क्या कुछ कहना होगा अधिकारियों को? कोई सुनता ही नहीं है, किसके पास शिकायत है? शिकायत भी करते तो कोई सुनता नहीं है ना। भैया से पूछ लीजिए, ये बताइए आपको क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुरेश चंद पाल है। अच्छा सड़क की टूटी पड़ी है, कब से टूटी पड़ी है, कहाँ तक? जब से मेट्रो की जहाँ से लाइन बिछी है बिजली की, जब इसे टूटी पड़ी है, चार तीन साल हो गए इसे पूरी, जब से किसी ने कोई देख रेख नहीं है, पानी भरा रहता है और गाड़ी रोज पलटती है, एक दो गाड़ी पलटती रहती है, कोई देखता नहीं। अब जब से बढ़ रहा है स्कूटी वाले तो रोज ही गिरते हैं, रोज ही मरते हैं, सर फूटते हैं, टांग टूटती है, कोई दिख रही नहीं। कोई कंप्लेंट करे कहाँ करे, कोई सुन ले राजी नहीं है, बस देख देख के अपने। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं यहाँ से परेशान नजर आए, कुछ और भी लोग सड़क टूटी पड़ी है, कब से ये टूटी पड़ी हुई है, क्या दिक्कत है यहाँ? ये पिछले तीन साल से टूटी पड़ी है और मैंने कई बार शासन प्रशासन को इसलिए अवगत कराया था, यहाँ पे रैपिड ट्रेन की बिजली की पावर लाइन बिछी थी जो कि लगभग तीन साल हो गए हैं, तीन साल से इसकी स्थिति ऐसी दर्दनाक है, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, किसी न किसी को चोट लगती है, जल भराव रहता है, जाम की समस्या रहती है, लोगों को घंटों घंटों इस जाम में निकल के जाना पड़ता है। अगर जरा 5 मिनट की बारिश में यहाँ पर लोगों की इतनी गाड़ियाँ खराब होती हैं, इसका जवाब हमें शासन प्रशासन से चाहिए, क्योंकि कब तक अटले के बाहर इस तरीके की कंडीशन रहेगी। अच्छा कहीं ना कहीं मानते हैं कि जीटी रोड है ये मेन रोड, इसको कहा जाता है, उसके बाद ये हालात होंगे तो आगे तक क्या होंगे? इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे कहने में कहीं जाने वाला, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने वाला जीटी रोड,
तुरंत है, बिल्कुल अर्थले के सामने आप इस चीज देख रहे हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं। आप देख भी सकते हैं कि पिछले 3 सालों से जो भी इधर से लोग जाता है, शासन प्रशासन को और क्षेत्रवासियों को क्या क्या नहीं कहता होगा, और यहाँ पे जाने वाले लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और आए दिन छोटी सी बारिश में भी यहाँ पर जल भराव की इतनी बड़ी समस्या हो जाती है, घंटों घंटों लाइन लग जाती है जाम की। और मैं ये कहता हूँ इसकी तरफ एक भी बार प्रशासन और शासन के लोग नहीं देखते। चलिए और आएंगे आपके पास अंकल जी, अधिकारी भी सब यहीं से गुजरते हैं इसी रोड से, क्योंकि मेन रोड ही है। अधिकारी मंत्री संतरी आपके सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी के कान पे जूनी रेंगती है। हम लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, हाउस टैग दे रहे हैं, हम स्वच्छ भारत का मिशन बना रहे हैं, नगर निगम से फोन आता है कि ये करिए, सब झूठ है, दिखावा है। ये इन कॉलोनी वालों की क्या गलती है जो पिछले 1 साल से नरक का जीवन जी रहे हैं, जिनके घरों में सीवर का पानी भर रहा है? कहाँ सो रहा है प्रशासन शासन, क्या कर रहे हैं? टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, वसूली पे वसूली हो रही है, कहाँ है प्रशासन आपका, शासन कहाँ है बताइए? ये जीटी रोड है, ये हाईवे है, ग्रैंड ट्रंक रोड, कलकत्ता तक जाता है ये, इसकी स्थिति ये है, तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी बताइए आप। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो क्या लगता है कि अधिकारी उनके आदेश पर पलीता लगा रहे हैं? उनके पलीता बिल्कुल लगा रहे हैं, उन्होंने गड्ढों में सड़क बना दी है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, हम लोगों तक आती ही नहीं है चीज़ें। हम लोगों को झूठे फोन किए जाते हैं कि आप ये दवाइए, हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कुछ दिखाए तो सही। आम जनता जो है, पब्लिक इतनी परेशान है, ये अर्थले का इतना ज्यादा तिरस्कार हो रहा है कि यहाँ एक रोड पार करने के लिए नहीं है, रोड पार करने के लिए एक जगह नहीं है, और पूरे बरसात में हम लोगों ने इतना यहाँ पर नरकीय जीवन जिया है अभी तक भी, कि पानी भरा रहता है, अभी एक घंटे की बारिश होगी तो यहाँ पर पानी भर जाएगा। सुबेरे को पानी आता है नगर निगम की तरफ से, वो सारा पानी जब नाले में आता है तो यहाँ पानी भर जाता है, आप देखिए आगे जाके। अच्छा, रॉन्ग साइड की आप बात कर रहे हैं, तो रॉन्ग साइड कहाँ से वाहन आते हैं, क्या एक्सीडेंट का कहीं ना कहीं क्योंकि जाम की वजह से लोगों को रॉन्ग साइड का सहारा लेना पड़ता है। कई बार सरकारी गाड़ी और प्राइवेट गाड़ियां भी रॉन्ग साइड आती हैं, उसकी वजह से जाम की स्थिति और भयानक हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट भी होते हैं। और क्या है इसका, हम बस यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और जल्द निकासी का कार्रवाई हो, रोड पार करने के लिए हो। माताएं बहने बुजुर्ग रोड पार नहीं कर पाते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। और भी लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत। बिल्कुल, मेरा नाम अबरार है भैया, और स्थिति हमारी गांव की ऐसी है, शायद NCR में कोई गांव ऐसा हो जो 5 मिनट की बारिश में 15 घंटे पानी भरता हो, और पानी भी लगभग 3 फुट हो, तो इतनी स्थिति खराब है, नाले का पानी घरों में घुस रहा है, और आदमी और औरत बच्चे निकलने में इतने परेशान है ना, मतलब बता नहीं सकते। 5 मिनट की बारिश हमारा गाँव अर्थला झेल नहीं सकता, डूब जाता आधा अर्थला हमारा, तो स्थिति इतनी खराब है भैया। अच्छा, आप यहाँ से पार्षद भी रहे हैं, तो इससे पहले आपने लिखा था एक सड़क के लिए? इसके लिए मैं कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, मगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, अर्थले वासियों की कहीं सुनवाई नहीं है, पानी की निकासी की कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, आज तक सीवर लाइन अर्थले में सीवर लाइन की कोई जो महानगर कहे जाने वाला गाजियाबाद में अर्थला तुरंत है बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ गाजियाबाद, और सड़कें टूटी पड़ी जगह है, इसे बहुत जगह नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 मिनट अगर बारिश हो तो हम लोग तो फिर पिया लगाते हैं, दोनों तरफ का पानी भरा रहता है, बीच में बैठे रहते हैं, तो क्या करें, कहीं ना कहीं कारोबार में भी दिक्कत होता है, दिक्कत उससे भी दिक्कत, काम में फर्क पड़ता, काम होता ही नहीं, फिर पानी भरेगा कौन आएगा? आपका क्या नाम है? रंजीत नाम मेरा। अच्छा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कब से ये टूटी पड़ी हैं, यहाँ से कहाँ तक ये सड़कें टूटी पड़ी हैं? टूटे हुए 3 साल हो गए हैं, जब से मेट्रो वालों ने बिछाई है, यहाँ तक केस नहीं, जब तक खोद के ऐसे खोद के चले गए, उन्होंने आज तक इस पर ना कोई कार्रवाई करे, ना देखा, ना कुछ करा है ना, और पानी जब यहाँ भर जाता है, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे या तो पानी में गिर जाते हैं या बीच में गिर जाते हैं। साफ तौर पर ये गाजियाबाद के वासी हैं जिनका ये कहना है कि जो जीटी रोड है उसके हालात 3 साल से इसी तरह से देखे जा रहे हैं, थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो 3-3 फुट जो पानी है वो हाईवे पर
भरा हुआ नजर आता है। लोगों द्वारा लगातार इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोनू खान, जर्नी टाइम्स, गाजियाबाद।